नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया चौथे टेस्ट के दूसरे दिन की, जहां पर लगातार बारिश ही बारिश देखने को मिल रही है। हम लगातार आपसे बातचीत करते हुए आपको बता रहे थे कि कैसे चौथे टेस्ट मैच में भी बारिश खलल डाल सकती है। पहला दिन जैसे तैसे निकल गया, लेकिन दूसरे दिन जो है वो ब्रिस्बेन में बारिश नहीं, जोरदार बारिश हो रही है। और ब्रिस्बेन, जितना मैंने वहां पर मैचेस देखे हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट देखा है जितना भी, उस हिसाब से ब्रिस्बेन एक ऐसा ग्राउंड है जहां पर बारिश होती है तो भयंकर बारिश होती है। ऐसा नहीं है कि वहां पे, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ड्रिजलिंग, यानी कि फुहारे पड़ती हैं, ऐसा नहीं है। वहां पे जो बारिश होती है वो भयंकर होती है, कुछ देर के लिए होती है, लेकिन वो इतनी हो जाती है, इतने एम्पल अमाउंट पे गिर जाती है कि उसके बाद आपको ग्राउंड को फिर जो सुपर सोकर्स होते हैं उनको लाना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है बाकायदा ग्राउंड को, आउटफील्ड बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है। इस वजह से ये सारी की सारी चीज़ें अब वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इससे पहले आपको पता है 369 ये बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हुई। इसके बाद इंडिया भी 62 है इस वक्त पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज वापस पवेलियन लौट चुके हैं। ये भी समझ आ चुका है कि रोहित शर्मा को सिर्फ रोहित शर्मा ही आउट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं, क्योंकि जिस वक्त पे वो खेल रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे वो आउट नहीं होने वाले। खैर, रोहित शर्मा पर अलग से बात करेंगे, लेकिन इस टेस्ट मैच की बात करूं तो अभी तो यही लग रहा है कि इस टेस्ट मैच में बारिश बहुत ज़्यादा समय खाने वाली है। इंडिया कोशिश करेगी कि उस स्कोर तक पहुंचा जाए जो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है, क्योंकि चौथी इनिंग्स आते आते ब्रिस्बेन में बैटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, और 150 के आसपास है कहीं चौथी इनिंग्स का जो एवरेज स्कोर है। तो इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया ने अच्छे रन लगा दिए हैं और इंडिया ने कैच छोड़े हैं, कई सारी चीज़ें हुई हैं इंडिया के साथ। बॉलिंग में वो दम नहीं दिखा कहीं कहीं पर, जहां पर हमें लगता था कि यार इंडिया क्या बाउंस बैक कर जाएगा यहां से, वो थोड़ा सा होता हुआ नहीं दिखा है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया की टीम की ये फर्स्ट लाइन यूनिट भी नहीं बल्कि सेकंड लाइन यूनिट भी नहीं है बॉलिंग की, वो अपने लास्ट ऑप्शंस को खिला रही है। यहाँ पर अगर अब कोई इंजर्ड होता है और अगर कहीं पांचवा टेस्ट भी होता तो फिर इंडिया प्लेयर शॉर्ट हो जाता। तो ऐसे में देखते हैं दिलचस्प क्या रहेगा। दिलचस्प यही रहेगा कि कैसे इंडिया अब यहाँ से अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाता है। रहाणे और पुजारा इस वक्त पे क्रीज पर है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।